तो देखो, आज क्लास में हम जो सीखेंगे यहाँ पर, आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें रिसिप्ट कैसे लेना है और पेमेंट कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट हमें लेना है और हमें पेमेंट कैसे करनी है हम वो देखेंगे यहाँ पर विद प्रैक्टिकल। अब जैसे यहाँ पर आपको कैशबुक दे रखा है, कैशबुक का मतलब ये होता है कि जो भी हमने लेन देन किस में किया है, कैश में किया, या तो हमने कैश लिया है या फिर हमने कैश दिया, ये कहलाती है हमारी क्या, कैश बुक। जो भी हमने कैश लिया या हमने कैश दिया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैश बुक। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, इसकी एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले एंट्रीज क्या दी गई है, कह रहा आशीष, आशीष को आपने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। तो आशीष को हमने 50,000 की पेमेंट कर दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे पेमेंट के अंदर, ऐड करेंगे और यहां पर डेट डाल देंगे और यहां पर हम नाम लिख देंगे आशीष। कितने की पेमेंट करी हमने, हमने 50,000 की पेमेंट करी, तो हमने 50,000 अमाउंट डाल दी और नीचे हमने क्या डाल दिया, कैश, ठीक है। जब भी हम किसी भी पार्टी को या कोई भी हमारा एक्सपेंसेस होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और कैश हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, कैश हमेशा क्रेडिट रहेगा। ये हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री क्या है, कह रहा प्रज्ञा एंटरप्राइज से आपने कितने रुपए ले लिए, 12,000 रुपये। क्या लिए, रिसिप्ट लिए। तो रिसिप्ट लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर में जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये क्या करेंगे, F6 बटन दबाएंगे और कहां चले जाएंगे, हम चले जाएंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर, डेट डाल देंगे यहां पर, डेट क्या है, और यहां पर हमने नाम लिख दिया प्रज्ञा इंटरप्राइज और हमने कितने ले लिए, 12,000 रुपये, और क्या ले लिया हमने यहां पर, कैश ले लिया। इसके अंदर आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप रिसिप्ट लेंगे किसी भी पार्टी से, तो पार्टी हमेशा यहां पर क्या होगी, पार्टी हमेशा रिसिप्ट लेते वक्त क्रेडिट होगी और कैश या बैंक आपका हमेशा ही क्या रहेगा, डेबिट रहेगा रिसिप्ट को लेते वक्त, और देते वक्त क्या हो जाएगा, पार्टी हमेशा डेबिट होगी, कैश या बैंक हमारा हमेशा ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या दी गई आपको, अटल श्रीराम से आपने फिर 20,000 रुपये ले लिए आगे नेक्स्ट डेट में, कितने ले लिए, 20,000, तो हमने 20,000 डाल दिए, और क्या ले लिया हमने यहाँ पर, कैश ले लिया, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, कैश डाल दिया, और अब हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। फिर दूसरी एंट्री क्या दी गई आपको, अब कह रहा है कि अशोक को आपने 7 तारीख की डेट में 80,000 रुपये की क्या कर दी, पेमेंट कर दिए। तो आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पर F6 बटन दबाएंगे, पेमेंट में आएंगे और यहाँ पर 7 तारीख डालेंगे, और पेमेंट किसको करी है, अशोक को, तो अशोक का नाम लिखेंगे, कितने की पेमेंट करी है, 80,000 रुपये की, तो 80,000 रुपये अमाउंट डालेंगे और नीचे आएंगे क्या लिख देंगे, कैश लिख के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या दी गई है आपको, फिर कहता है कि अली को आपने 10,000 रुपये की यहाँ पर क्या कर दिया है, पेमेंट दे दी है, तो यहाँ पर क्या नाम लिख देंगे, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अली, कितने की पेमेंट करी है, 10,000 की, और क्या कराया आपने, आपने दिया है यहाँ पर कैश, तो क्या लिख देंगे, कैश लिख कर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, मयंक, मयंक को आपने क्या दे दिए, 13,500 रुपये की पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, डेट डाल देंगे 9 तारीख और यहाँ पर नाम लिख देंगे मयंक का 13,500। तो आप देख रहे होंगे जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी क्या हो रही है, हमेशा आपकी डेबिट हो रही है, और कैश क्या हो रहा है, हमारा हमेशा ही क्रेडिट हो रहा है, और F2 से हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या दी गई है, फिर कह रहा है कि शिवा क्रिएशन से आपने 12,500 ले लिए, यहां पर आप क्या करेंगे, F6 बटन दबाएंगे, F6 बटन क्या करेगा, आपको उसी वाउचर के अंदर पहुंचा देगा। कब ले लिया आपने यहां पर, तो कह रहा है कि यहां पर आपने जो ले लिए
10 तारीख को, किससे? शिवा क्रिएशन से। कितना अमाउंट ले लिया आपने यहाँ पर? 12,500 रुपए आपने ले लिए शिवा क्रिएशन से। क्या ले लिया आपने? कैश ले लिया। और आप क्या कर देंगे इसको? F2 से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आपने किससे रिसीव किया? फिर आपने रिसीव किया जैन जनरल स्टोर से। कब? 11 तारीख की डेट में। तो आपने यहाँ पर 11 तारीख डाला और यहाँ पर नाम डाल दिया क्या? जैन जनरल स्टोर। कितना अमाउंट ये ले लिया आपने? 18,000 रुपए। और क्या? ये हमने ले लिया कैश। तो ये हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या थी? ये सारी ट्रांजेक्शन थी हमारी कैश बुक, जो हमने कैश लिया या हमने कैश दिया। तो ये क्या कहलाया हमारा? ये कैश बुक कहलाएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हमारी आगे जो एंट्री डालनी है हमें, ये हमें डालनी है बैंक के थ्रू। वो सभी एंट्रियाँ, वो सभी ट्रांजेक्शन जो हमने बैंक के थ्रू करी हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी हमारी यहाँ पर बैंक बुक। ठीक है, अब पहली एंट्री कह रहा है कि आशीष को आपने चेक दिया है। कितने का चेक दिया है यहाँ पर? कह रहा है आशीष को जो आपने चेक दिया उसकी वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? F6 बटन दबाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे? पेमेंट के अंदर। और हमने नाम डाल दिया आशीष। कितने का चेक दिया हमने? 1,00,000 का। कह रहा है क्या दिया है यहाँ पर? चेक दिया है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे चेक। अब कह रहा है उस चेक का नंबर क्या है? तो जो चेक का नंबर आपको दिया गया यहाँ पर लिखने के लिए, चेक नंबर लिख दोगे। किससे पेमेंट करी आपने? एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस बैंक डाल देंगे यहाँ पर और हम इसको सेव। और अगर हमारा बना नहीं है बैंक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? F3 बटन दबाएंगे और F3 बटन से हम क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे बैंक अकाउंट। और इसके अंडर ग्रुप में हम क्या डालेंगे? इसके अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ही डालेंगे। और सेव करने के लिए क्या करेंगे? सेव करने के लिए सेम वही F2 बटन दबाएंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ये हो गया हमारी एक एंट्री बैंक से। फिर उसके बाद कह रहा है कि MS इंटरनेशनल से आपने क्या ले लिया? कह रहा है कि 50,000 रुपये की यहाँ पर क्या ले लिया आपने? NEFT यहाँ पर आपने ली है। NEFT आ गया आपके अकाउंट के अंदर आई है। सर ये NEFT क्या होता है? NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये बैंक के थ्रू होता है। एक होता है आपका RTGS। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो अभी क्या है? NEFT है। NEFT कितने की है? 50,000 रुपये की है। डेट क्या दी गई है आपको? 2 तारीख। हम यहाँ पर क्या डालेंगे? F6 बटन दबाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे? रिसिप्ट के अंदर। और यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे MS इंटरनेशनल। कितना अमाउंट? 50,000। और क्या है ये ट्रांजेक्शन मोड? तो आपको यहाँ पर लिख देना है NEFT 50,000 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे NEFT। और किससे? ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, एक्सिस बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या दी गई है आपको? कह रहा है प्रज्ञा इंटरप्राइज से आपने चेक ले लिया। कितने रुपए का? 80,000 रुपए का, 3 तारीख की डेट में। तो हमने यहाँ पर डेट डाली और यहाँ पर नाम डाल दिया प्रज्ञा इंटरप्राइज। कितने का चेक लिया हमने? 80,000 रुपए का। चेक नंबर क्या है हमारा? तो चेक नंबर हमको दिया है 09 09412। और किस पार्टी से लिया? सॉरी, कहाँ पर आया चेक हमारा? ये चेक चला गया हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट के अंदर। क्लियर है? उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है? फिर कहता है कि आपने अशोक को पेमेंट करी है, विपिन को पेमेंट करी है और विमल को पेमेंट करी है। कितने की? पहले अशोक को पेमेंट करी आपने, यहाँ पर F6 बटन दबाया। डेट क्या है? तो आप डेट देख के डालेंगे 4। और पार्टी का नाम क्या है? अशोक। कितने की पेमेंट करी आपने इसको? 1,34,000 की। दूसरी पेमेंट चेक है ये, तो चेक डाल दिया। आगे चेक नंबर क्या है? चेक नंबर है इसका 124,06। और किसके अंदर है ये? एक्सिस बैंक से आपने इसको पेमेंट किया है। फिर दूसरी एंट्री क्या है आपकी?
फिर दूसरी एंटी है विपिन, कह रहा है विपिन को आपने पेमेंट कर दी कितने की, कितने की पेमेंट करी है आपने यहाँ पर, 3 लाख रुपए की या 30,000 की पेमेंट करी है, 3 लाख की पेमेंट। और चेक नंबर क्या है, तो चेक नंबर है आपका 12406 7 6 5 है। उसके बाद हमने किससे करी है, हमने एक्सिस बैंक से करी है। दूसरी एंट्री क्या है, फिर दूसरी एंट्री दी गई आपको विमल से, विमल को आपने चेक दे दिया 4,50,000 का। तो यहाँ पर आप डेट डाल देंगे 6 तारीख और यहाँ पर नाम लिख देंगे विमल 4,50,000 और क्या है आपका, आपका चेक है। और यहाँ पर चेक नंबर क्या है आपका, चेक नंबर है 12400, तो 12400 आप चेक नंबर डाल लेंगे और नीचे आप क्या डाल लेंगे, एक्सिस बैंक अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन मोड जो आपको दिया गया है आपको वही डालना है। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जब भी हम 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं RTGS का। NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये 2 लाख से कम की ट्रांजेक्शन पे यूज़ किया जाता है। चेक तो आपको मालूम ही है सबको। DD होता है डिमांड ड्राफ्ट। IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट मोड ट्रांसफ़र। और ई पेमेंट होता है आपका जो भी आप गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम, ठीक है, इनसे करते हैं ये कहलाते हैं ई पेमेंट। ट्रांसफ़र होता है कि आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। और वॉलेट आपका, जैसे कि आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा रहता है वो आपके ना तो बैंक अकाउंट में है, ठीक है, और कहाँ पर है वो पैसा आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर है या फोन पे के वॉलेट के अंदर है। और लास्ट में अगर आपने UPI के थ्रू पेमेंट करी है, जैसे कि हम गूगल पे फोन पे से करते हैं, वहाँ पर जो पेमेंट होती है हमारी वो कैसे होती है, वो UPI मोड से होती है, तो UPI आ जाएगा। और अगर इसमें से कोई नहीं है तो हम क्या डाल देंगे इसके लिए, अदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चेक, तो चेक लिखा हमने यहाँ पर और इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें कैश की एंट्रीज कैसे करनी है, कैश में रिसिप्ट और पेमेंट कैसे लेना है, और हमने सीखा कि हमें बैंक के थ्रू रिसिप्ट और पेमेंट कैसे करना है। तो ये क्लास हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।